आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें जो पढ़ना है कि वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम? आपको नाम से ही समझ में आएगा कि जो भी है ग्रासलैंड, ठीक है, वो इकोसिस्टम जहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि ग्रासेस होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रासेस होता है। ठीक है, ग्रासेस, इसलिए इसको कहा गया है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मींस क्या होता है कि देखो, द इकोसिस्टम इन विच वहां पे क्या होगा, इन विच द विजिटेशंस, द विजिटेशंस जो है इस क्या होगा, प्रीडोमिनेटली क्या होता है वहां पे, ग्रासेस एंड एनुअल प्लांट। ठीक है, वो इकोसिस्टम जहाँ पे विजिटेशंस, यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो विजिटेशंस होता है वहाँ पे क्या होता है कि ग्रासेस और क्या होता है एनुअल जो है प्लांट होता है। ठीक है, एनुअल प्लांट जो भी, या हम कह सकते हैं कि स्मॉल जो प्लांट्स होता है, एनुअल स्मॉल प्लांट, सॉरी। ठीक है, एनुअल स्मॉल जो है प्लांट्स होता है। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो ये जो है स्पेशली जो है जो ग्रासेस होता है, या हम कह सकते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इसके जो है स्पेशली क्या होता है कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लाइमेट जो है फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट, स्पेशली ऑन क्लाइमेट फैक्टर्स। ठीक है, जो क्लाइमेट फैक्टर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो क्यों क्लाइमेट जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए? तो इसलिए है कि जो हमारे जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो है ग्रासेस जब ग्रो करता है उनके लिए क्लाइमेट फैक्टर की होना ज़रूरी है, क्योंकि जो रेन्स होता है, ठीक है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेनफॉल लो होगा तो वहाँ पे जो ग्रासेस होगा वो कम उगेंगे। ठीक है, वो कम ग्रो होगा। अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो जितना रेनफॉल ज़्यादा होगा तो जितने भी ग्रासेस होंगे इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरा पॉइंट, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो वाइड होता है, वाइड रेंज में, ए वाइड रेंज लैंड स्कैप होता है। ठीक है, बड़ा दूर दूर तक आपको क्या मिलेगा, दूर दूर तक आपको जो है इसका जो है रेंज होगा। ठीक है, और दूर 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 तक आपको क्या मिलेगा कि बहुत सारे ग्रासेस दिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। ठीक है, जो प्लांट्स, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वैरायटी, अ वैरायटी, ठीक है, वी ई सॉरी, वैरायटी वैरायटी ऑफ जो है ग्रासेस, हर्ब्स एंड एंड क्या होता है कि जो भी स्पेशीज ऑफ इंसेक्ट्स जो है, SPECI, स्पेशीज ऑफ इंसेक्ट, इसके अलावा बर्ड्स बर्ड्स, इसके अलावा एंड एनिमल एनिमल एनिमल्स हैव एडॉप्टेड, एडॉप्ट करते हैं अपने आप को जो है, एडॉप्टेड
दिस वाइट जो रेंज वाइट ओपन जो है ओपन ग्रासेस ओपन ग्रासेस कवर्ड एरिया ठीक है, जो भी बहुत सारे ग्रासेस हर्ब्स हम या कह सकते हैं कि स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट भी वहाँ पे, या हम कह सकते हैं कि बर्ड्स होते हैं एनिमल्स होते हैं ठीक है, और क्या होता है कि बहुत सारे जो है एनिमल्स बर्ड्स या हम इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट क्या अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं या अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं इस जगह में ठीक है, ओपन ग्रासेस कवर्ड एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है उनको ज़्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होंगे वहाँ पे ग्रासेस होंगे ठीक है, तो वो अपने जो है सर्वाइव अपने लाइफ को सर्वाइव अच्छी तरह कर सकता है ठीक है इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ठीक है। तो वो क्या कर दिस जो जो एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो है फूड प्लेंटी ऑफ फूड जो है, अब वो क्या होता है कि आफ्टर रेन्स के बाद जो है रेन के बाद जो है प्लेंटी ऑफ फूड्स जो है वो अपने आप खा वो एनिमल्स खा लेते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं ताकि वो जो फूड उस उन लोगों ने खा लिया उसको स्टोर कर लेते हैं एज ए फैट, ताकि वो इसलिए स्टोर करते हैं जब ड्राई सीजन्स होगा ठीक है, वहाँ पे ड्राई सीजन्स होगा कोई बारिश नहीं होगा तो वो क्या करते हैं इस खाने को अपने अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं, उस टाइम वो सर्वाइव कर सकते हैं, उस टाइम वो सर्वाइव करने के लिए जो है बहुत सारे खाना जो है खा लेता है ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि जो ग्रासलैंड है, चलो ग्रासलैंड को तो एनिमल्स हो या हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट हो बर्ड्स हो ठीक है लोगों ने सर्वाइव कर लिया ठीक है, तो ह्यूमन सर्वाइव ह्यूमंस क्या करते हैं कि ग्रासलैंड को एज ए पास्चर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, मैन यूज ग्रासलैंड जो है एज ए पास्चर जो हम यूज़ करते हैं ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हुआ ग्रासलैंड। अब टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड है, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, फर्स्ट जो है हम ट्रॉपिकल जो है ग्रासलैंड, और सेकंड जो है ठीक है टेम्परेट ग्रासलैंड ठीक है। ये दो चीज़ें, एक होता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा होता है कि टेम्परेट जो है TEMPERA टेम्परेट जो है ग्रासलैंड होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। इसका थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग देख लेना ठीक है, जो होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। अब ट्रॉपिकल से आपको समझ में आया होगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसे कहा जाता है ठीक है, आप लोगों ने कहीं भी कहीं कहीं ज्योग्राफी में आपने सुना होगा कि ट्रॉपिकल क्या कहे ट्रॉपिकल किस एरिया को हम कहते हैं कि, और जो है टेम्परेट हम किस एरिया को हम टेम्परेट कहा जाता है ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब देखो ट्रॉपिकल, यहाँ पे हम सीधी सी डायग्राम में उसमें आपको समझ में आएगा ठीक है टेम्परेट क्या है और ट्रॉपिकल क्या है। ये हुआ हमारा अर्थ, ये हुआ हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ये हुआ हमारा अच्छी तरह बनाना, ये हुआ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ठीक है, ये होता है 23.5 में, ये होता है 23.5 में, इसके अलावा जो है 66.5 66.5 तक ठीक है। ये हुआ हमारा ये है हमारा जो इक्वेटर है ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पहले ट्रॉपिकल जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ठीक है। अब देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये एरिया जो है आपको ये एरिया जो है इस एरिया में जितने भी ग्रासलैंड है उसे हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ठीक है।
इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जो है यहाँ पोल्स की तरफ, ये हुआ पोल्स की तरफ, यहाँ से पोल्स के ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे, ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ, ठीक है। 23.5 से लेके 66.5 तक जो है कोई भी ग्रासलैंड जो होता है उसे हम कहते हैं कि, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। ये चीज अब देखो, ट्रॉपिकल में सबसे मेन चीज होता है कि टेम्परेचर जो है हाई होता है। फर्स्ट चीज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में एक चीज आपको मिलेगा कि ट्रॉपिकल जहां पे ट्रॉपिक और इक्वेटर होगा, ठीक है, वहां पे तो हमें पता है कि ऑब्वियसली जो है टेम्परेचर हाई होता है। दूसरा चीज जो है रेनफॉल जो होता है वो होता है 50 to 130 सेंटीमीटर यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये चीज होता है कि सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। अब ये ग्रासलैंड आपको सवानास, जो ग्रासलैंड आपको कहीं सुना होगा, ये ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको ग्रासेस भी होंगे, ग्रासेस, हर्ब्स, और आपको रूट जो, और आपको ट्रीज भी मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ पे क्या होगा, ट्रीज भी होगा, ग्रासेस भी होगा, हर्ब्स भी होगा, ठीक है, बहुत सारे ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छा खासा बारिश हो रहा है, बारिश होने की वजह से वहाँ पे ग्रासेस भी उगेंगे, ट्रीज भी उगेंगे, ठीक है, हर्ब्स भी उगेंगे वहाँ पे जो है। ये कुछ पॉइंट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है वो है टेम्परेट जो है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है पहला पॉइंट। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा वो इस कंपेयर टू हम ट्रॉपिकल से जो है वो लो होगा। इस कंपेयर टू ट्रॉपिकल से यहाँ पे टेम्परेट जो ग्रासलैंड में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। दूसरी चीज़ जो रेनफॉल होगा वो 50 to 75 सेंटीमीटर तक ही होगा, यानी कह सकता है कि इसमें जो है बारिश बिल्कुल कम होगा, ठीक है, कम होगा। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे जो है आपको सिर्फ ओनली ग्रासेस मिलेंगे, ओनली ग्रासेस ही होगा, ठीक है, ठीक। चौथा, ये जो ग्रासलैंड आपको कहाँ, इस ग्रासलैंड में आप पेरिस या हम कह सकते स्टेपी जो ग्रासलैंड है, कहीं पे आपने नाम सुना होगा पेरिस ग्रासलैंड और स्टेपी जो ग्रासलैंड होता है वो ग्रासलैंड, उस ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, वो इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो है, ठीक है, वो ग्रासलैंड जो आपको बिल्कुल मैदान दिखाई देगा, वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस होंगे, ठीक है। ट्रीज आपको कहीं कहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम ही होगा ट्रीसेस, इवन कि हम कह सकते हैं ट्रीज वहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश कम है, बारिश कम की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रो नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि वहाँ पे जो सॉइल क्वालिटी वो कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है लो, ठीक है। और ये जो ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेगा, पेरिस ग्रासलैंड और स्टेपी जो ग्रासलैंड होता है वो, ये चीज़ ग्रासलैंड होता है, ठीक है। तो ये हुआ आज हमारा जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, थैंक यू।